आपकी शान। डीडी किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। इसके साथ ही बाजार के जानकार से बातचीत भी होगी और खास तौर पर मंडी खबर में आज हम बात करेंगे चना, मक्का, ज्वार, सोयाबीन, आलू और गेहूं की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। ज्यादातर मंडियों में उतार चढ़ाव के साथ हुआ चने का कारोबार, पुणे मंडी में दर्ज हुई 200 रुपए की तेजी। बुधवार को मक्का के बाजार में आई चमक, कुछ मंडियों में नरम रहे भाव। पुणे मंडी में 5,300 रुपए पर हुए ज्वार के सौदे, तो जम्बूसर मंडी में 3,600 रुपए क्विंटल रहे भाव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चने के साथ। बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने के जो सौदे हैं वो उठापटक के साथ हुए। पुणे और लखीमपुर मंडी में बढ़त देखने को मिली, जबकि अलीगढ़ और खानपुर मंडी में गिरावट दर्ज हुई। चने के कारोबार पर पेश है यह रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को चने का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ। एगमार्क नेट के मुताबिक महाराष्ट्र की पुणे मंडी में चने के सौदों में बढ़त देखने को मिली। 27 अगस्त को चने का भाव रहा 7,700 रुपए, जो 28 अगस्त को 200 रुपए चढ़कर 7,900 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी चने का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहां 27 अगस्त को चने का भाव 6,930 रुपए था, 28 अगस्त को इसमें 10 रुपए की बढ़त हुई और भाव 6,940 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहां चने के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहां 27 अगस्त को चने का भाव था 7,120 रुपए, जो कि 28 अगस्त को 20 रुपए लुढ़क कर 7,100 रुपए क्विंटल रह गया। राजस्थान की खानपुर मंडी में भी चने का कारोबार नरमी के साथ हुआ। यहां 27 अगस्त को चने का भाव 7,310 रुपए था, 28 अगस्त को इसमें 60 रुपए की सुस्ती आई और भाव 7,250 रुपए रह गया। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। पिछले वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसे तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है। इसलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल हैं। बात कुल चने की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान चने की कुल पैदावार 115.76 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। बाजार की स्थिति के बारे में आइए और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। उसके लिए रुख करते हैं बाजार के जानकार का। अनुज गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका। मंडी खबर में सबसे पहले हम चने के बाजार के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्या राय है आपकी, इसके भाव किस ओर जाते हुए आपको दिख रहे हैं? चने की अगर बात करें तो चने के भावों में हमने देखा है सरकार ने एमएसपी बढ़ाया है, जिसका भरपूर लाभ किसानों को मिल रहा है। हालांकि हमने इस बार चने की फसल में कुछ कमी देखी थी, जिसकी वजह से भावों में तेजी देखने को मिली थी। मगर लग रहा है कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से मॉनसून रहा है, सोइंग एक्टिविटी बढ़ सकती है और आगे चलकर हम अच्छी खासी क्रॉप की पैदावार में वृद्धि देख सकते हैं और मंडियों में आवक भी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। बिल्कुल, तो ऐसे में क्या जो चने के किसान हैं उन्हें इस वक्त बिकवाली करके निकल जाना चाहिए या अच्छे भाव की संभावना भी आगे आप देख पा रहे हैं, आप उन्हें क्या सलाह देंगे इस वक्त? चने के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए, क्योंकि आगे नई क्रॉप की आवक शुरू होगी तो और सोइंग एक्टिविटी बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। और जिस तरीके से मॉनसून रहा है, लग रहा है कि आगे चलकर सोइंग भी बढ़ सकती है और पैदावार भी बढ़ सकती है। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए, आने वाले दिनों में जब नई क्रॉप आएगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। और अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं केले के हाजिर भाव पर। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में
क्या स्थिति रही बीते कारोबारी दिन। केरल की अंचल मंडी में केले का भाव रहा 3600 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर मंडी में सौदे 3000 रुपए में हुए। पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें तो यहां पर भाव रहा 3050 रुपए और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में सौदे 2930 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं और अब मक्का के बाजार के बारे में जानते हैं। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को मक्का के कारोबार में आई चमक, यानी कि ज्यादातर मंडियों में मक्का के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव नरम भी रहे। मक्का के कारोबार पर पेश है यह रिपोर्ट। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के कारोबार में तेजी का रुख रहा। वहीं कुछ मंडियों में भाव सुस्त रहे। एग्मार्कनेट के मुताबिक महाराष्ट्र की पुणे मंडी में मक्का के सौदों में बढ़त देखने को मिली। यहां 27 अगस्त को मक्का का भाव 2900 रुपए रहा। 28 अगस्त को इसमें 100 रुपए की बढ़त हुई और भाव 3000 रुपए क्विंटल हो गया। गुजरात की हिम्मत नगर मंडी में भी मक्का का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहां 27 अगस्त को मक्का का भाव 2525 रुपए था, जो 28 अगस्त को 50 रुपए चढ़कर 2575 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी की बात करें तो यहां भी मजबूती का सिलसिला जारी रहा। यहां 27 अगस्त को मक्का का भाव 2150 रुपए था, 28 अगस्त को इसमें 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई और भाव 2200 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहां 27 अगस्त को मक्का का भाव 2325 रुपए था, जो 28 अगस्त को 25 रुपए गिरकर 2300 रुपए रह गया। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में मक्का की उपज 356,73,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की 380,85,000 टन की तुलना में 24,12,000 टन कम है। आइए एक बार फिर से बाजार के जानकार का रुख कर लेते हैं। अनुज जी, अब मक्का के बारे में हमें बताएं कि आने वाले दिनों में इसके भाव कैसे रह सकते हैं। बात करें मक्के की तो मक्के के बाजार में हमने एक मिलाजुला कारोबार होते हुए देखा है। इस बार हमने देखा है कि मक्के की पैदावार बंपर होते हुए दिखाई दी है। वैश्विक बाजारों में भी हमने क्रॉप अच्छी आते हुए देखी है और वैश्विक बाजारों में भी आवक बनी हुई दिखाई दी है। भारत के अंदर भी अच्छी खासी आवक हम देख रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर हम बात करें मक्के के भावों की तो भाव एक सीमित दायरे में रह सकते हैं, क्योंकि इस बार क्रॉप अच्छी रही है। हालांकि डिमांड भी बढ़ी है, मगर इस बार पैदावार और आवक की वजह से भावों में सीमित दायरे का कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जी, तो ऐसे में सवाल है कि किसानों को बिकवाली कब करना चाहिए जिसमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, तो ऐसे में आपका सुझाव क्या रहेगा? मक्के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। आगे भी क्रॉप में बम्पर पैदावार लग रही है, क्रॉप बढ़ सकती है, क्षेत्रफल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि आगे भी भावों में सीमित रहेगा, कारोबार रहेगा। और जिस तरीके से मॉनसून हुआ है, लग रहा है कि आगे जो क्षेत्रफल है वो बढ़ सकता है और एकरेज भी बढ़ सकती है और पैदावार भी बढ़ सकती है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में भावों में मिलाजुला कारोबार रहेगा। किसानों को सलाह है कि जो भी उछाल मिले वहां बिकवाली करके निकल सकते हैं। जी बिल्कुल, अनुज जी आप हमारे साथ जुड़े रहे, आगे भी जानकारी लेंगे। तो संभावना यही बनती हुई नजर आ रही है कि जो मक्के का बाजार है उसमें एक सीमित दायरे में ही कारोबार ये करता रहेगा। ऐसे में लगातार मंडी भाव पर नजर बनाए रखें और जब भी आपको लगे कि भाव अच्छे मिल रहे हैं तो बिकवाली करके निकल पड़े। इसी के साथ यहां पर मंडी खबर में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी ज्वार, सोयाबीन और आलू की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान पर मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे सोयाबीन और आलू के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं ज्वार की। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को ज्वार की आवक सामान्य रही। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक 28 अगस्त को गुजरात की जम्बूसर मंडी में ज्वार का भाव 3600 रुपए दर्ज किया गया। राज्य की ही मनसा मंडी में ज्वार का भाव रहा 3975 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में ज्वार का भाव 5300 रुपए रहा। इस साल ज्वार की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक
साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार 40,34,000 टन रह सकती है। बीते साल ये आंकड़ा 38,14,000 टन था। कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आइए एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। अनुज जी, जानना चाहेंगे अब ज्वार के बाजार के बारे में, कैसे स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है, इसके भाव आने वाले समय में कैसे रह सकते हैं? मोटे अनाजों में अगर ज्वार की बात करें तो ज्वार में हमने एक मिलाजुला कारोबार देखा है। हालांकि मोटे अनाजों की डिमांड की वजह से भावों में तेजी भी रही है। हमने देखा है कि जैसे जैसे मोटे अनाजों की डिमांड बढ़ी है, वैसे वैसे पैदावार भी बढ़ती हुई नजर आई है। और अगर हम बात करें तो लंबी अवधि में हम देख रहे हैं कि आगे भी पैदावार बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर अब निर्यात मांग भी आती हुई दिखाई दे रही है। ज्वार के भावों में हालांकि भारत के अंदर बम्पर क्रॉप रही थी और आगे भी लग रहा है कि क्रॉप आगे बढ़ सकती है, मगर डिमांड यहाँ पे हमें लग रहा है कि ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, इसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। बिल्कुल, तो ऐसे में जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, बिकवाली की सोच रहे हैं, उनके लिए आपकी सलाह क्या होगी? ज्वार के किसानों को सलाह है कि अपनी क्रॉप को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं, डिमांड का सपोर्ट भावों को रहेगा। और जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है, निर्यात मांग बढ़ रही है, लग रहा है कि आगे ज्वार के भावों में तेजी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को ज्वार को होल्ड करके चलना चाहिए। बिल्कुल, अनुज जी बने रहे हमारे साथ। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि आम के हाजिर भाव देश के विभिन्न मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। तो बीते कारोबारी दिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं पंजाब के लुधियाना में, और यहाँ पर आपको बता दें कि आम का भाव रहा 4,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की बीकानेर मंडी में सौदे 5,900 रुपए पर हुए, तो हरियाणा की गोहाना मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग मंडी में भी सौदे 6,000 रुपए में हुए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। और अब बात सोयाबीन की। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में सोयाबीन की आवक देखने को मिली। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्ट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,450 रुपए। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में सौदे हुए 2,920 रुपए में। वहीं उज्जैन मंडी में भाव रहा 4,491 रुपए। और राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 4,250 रुपए। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। पीली सोयाबीन का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 4,600 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 292 रुपए बढ़कर 4,892 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी फसल से अलग कर दिया गया है और इसे तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है, इसलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल है। बात कुल सोयाबीन की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान सोयाबीन की पैदावार 130,54,000 मेट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। आइए फिर से बात करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज गुप्ता जी, सोयाबीन के बाजार पर बताया क्या राय है आपकी, भाव कैसे रहेंगे? सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन की भी इस बार हम बम्पर क्रॉप देख रहे हैं। मॉनसून की वजह से बिजाई बढ़ी है, एरिया बढ़ा है और लग रहा है कि आगे चलकर भावों में नरमी रह सकती है। वैश्विक बाजारों में भी हमने भावों में सीमित दायरे का कारोबार होते हुए देखा है और लग रहा है कि आगे भी भाव सीमित दायरे में ही रहेंगे। जी जी, तो ऐसे में किसानों के लिए कोई खास सलाह? सोयाबीन के किसानों को सलाह है कि जो भी उछाल मिले वहाँ माल को निकाल सकते हैं, क्योंकि बम्पर क्रॉप है और आगे चलकर भावों में हम मिलाजुला कारोबार देख रहे हैं। डिमांड भी अच्छी खासी है, मगर इस बार पैदावार बढ़ती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से मॉनसून रहा है उसका असर भी भावों पे आ सकता है। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, भावों में आगे चलकर नरमी या एक मिलाजुला कारोबार देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, अनुज जी जुड़े रहे हमारे साथ। तो सोयाबीन के जो किसान हैं वो जरूर इस सुझाव पर अमल करें और बेहतर होगा कि आप अपनी जो क्रॉप है उसे बिकवाली के लिए ले जाएं।
आगे बढ़ते हैं और अनार के हाजिर भाव पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं देश के विभिन्न मंडियों में अनार के सौदे किस तरह से हुए हैं। राजस्थान की कोटा मंडी में अनार का भाव रहा 8,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की लुधियाना मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सौदे 7,500 रुपए पर हुए, तो वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 7,000 रुपए। ये सभी भाव आव गुणवत्ता के आधार पर हैं। और अब बात करते हैं आलू की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। 28 अगस्त को ज्यादातर मंडियों में आलू बिकवाली के लिए पहुंचा। एग्मार्क नेट के मुताबिक बुधवार को पंजाब की गढ़शंकर मंडी में आलू का भाव रहा 1,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 2,060 रुपए पर आलू के सौदे हुए, तो राजस्थान की गोलूवाला मंडी में आलू 1,700 रुपए पर बिका। घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 5,97,00,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 5,61,00,000 टन रही थी। अनुज जी, आलू के बाजार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके भाव में किस तरह की स्थितियां बनती हुई आपको नजर आ रही है आने वाले समय में? आलू की अगर बात करें तो फिलहाल अभी भावों में तेजी का ट्रेंड आता हुआ दिखाई दे रहा है। बारिश की वजह से क्रॉप डैमेज की खबर आती हुई दिखाई दी है और बारिश की वजह से हम देख रहे हैं कि आवक भी जो है बाधित होती हुई दिखाई दी और मंडियों में आवक भरपूर नहीं आ पा रही है, जिसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटी अवधि में भावों में तेजी आ सकती है। मानसून का असर भावों पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उसकी वजह से लग रहा है कि भावों में तेजी का ट्रेंड शॉर्ट टर्म में आ सकता है। हालांकि लंबी अवधि में नई क्रॉप की सोइंग बढ़ सकती है, जिसकी वजह से लंबी अवधि में भावों में नरमी का रुख रहेगा। जी, तो ऐसे में आलू के जो किसान हैं उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? आलू किसानों को सलाह है, जिनका व्यू छोटी अवधि के लिए, वो क्रॉप को रोक के चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर छोटी अवधि में तेजी देखने को मिल सकती है, मगर लंबी अवधि में लग रहा है कि भावों में नरमी का रुख रहेगा। नई क्रॉप की आवक की वजह से भाव नरम रह सकते हैं। हमें लगता है किसानों को छोटी अवधि के लिए क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, लंबी अवधि में भावों में नरमी आ सकती है। जी जी, बिल्कुल अनुज जी, बने रहे हमारे साथ। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे गेहूं का हाल। आप बने रहे दूरदर्शन किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गेहूं की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में गेहूं का भाव रहा 2,850 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 2,711 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में गेहूं 2,625 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में गेहूं के सौदे 2,460 रुपए पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं। पिछले कृषि वर्ष में
जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसे तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है। इसलिए क्षेत्रफल उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल है। बात कुल गेहूं की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान गेहूं की पैदावार 1129,25,000 मेट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल गेहूं की उपज की तुलना में 23,71,000 मेट्रिक टन अधिक है। कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनका रुख करते हैं। अनुज जी, गेहूं के बाजार पर क्या है आपकी राय? गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं में हमने एक मिलाजुला ही कारोबार होते हुए देखा है। हालांकि भारत के अंदर इस बार बंपर क्रॉप देखने को मिली थी और लग रहा है कि अभी फिलहाल भावों में एक उछाल आ सकता है। त्योहारी मांग के चलते भावों को सपोर्ट मिल सकता है और जिस तरीके से बारिश हो रही है तो आवक भी बाधित होती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि छोटी अवधि में गेहूं के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह होगी इस वक्त? गेहूं के किसानों को सलाह है कि अगर उनके पास गेहूं रखा है तो वो छोटी अवधि के लिए गेहूं को होल्ड कर सकते हैं। यहाँ से एक डिमांड के चलते भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि लंबी अवधि में नई क्रॉप की सोइंग, नई क्रॉप की आवक के चलते भाव डिसाइड होंगे, मगर फिलहाल अभी छोटी अवधि में लग रहा है कि एक तेजी का रुख आ सकता है। हमें लगता है किसानों को छोटी अवधि के लिए गेहूं को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे और बहुत ही अहम जानकारियाँ आपने साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और कुछ सब्जियों के हाजिर भाव पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं कि बीते कारोबारी दिन देश की विभिन्न मंडियों में क्या स्थिति रही। करेले पर आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं और जानते हैं कि कैसे हुआ कारोबार। तो गुजरात की सूरत मंडी में करेले का भाव रहा 2,250 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की दोराहा मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,250 रुपए और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में सौदे 2,400 रुपए में हुए। ये तो बात हुई करेले की, अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि पत्ता गोभी के भाव कैसे रहे देश के अलग अलग मंडियों में। गुजरात की सूरत मंडी में पत्ता गोभी का भाव रहा 1,350 रुपए प्रति क्विंटल। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सौदे 1,700 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 2,100 रुपए तो उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,300 रुपए। पत्ता गोभी के हाजिर भाव पर भी हमने नजर डाल लिया और अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि हरी मिर्च का कारोबार कैसे हुआ, अलग अलग मंडियों में कैसे हुए सौदे। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा 3,500 रुपए। वहीं गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 4,250 रुपए तो हरियाणा की गोहाना मंडी में सौदे 4,000 रुपए पर हुए और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर मंडी में भाव रहा 4,025 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। फिलहाल लेते हैं विदा, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। उड़ा रे जरा कर ले सबर तू।
नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। महा चौपाल चर्चा असम से हो रही है, बनारस पहुँच गई है। हरियाणा हमारी टीम पहुँच चुकी है, महाराष्ट्र में पहुँच गए हैं। आज की चौपाल चर्चा शुमो गांव से। किसान की आमदनी दुगनी होती जा रही है, बदलाव बहुत आ गया खेती में। देखिए चौपाल चर्चा मेरे साथ। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किसी एक फिल्म में मैं इस लड़की से गाना गवाऊंगा। सरों का एक लव्य सीजन 2 जल्द आ रहा है सिर्फ डीडी नेशनल पर। हमारे साथ चलिए एक सफर पर देश के कोने कोने तक। देखिए देश की सांझी संस्कृति, बहुमूल्य विरासत, जानिए पारंपरिक पकवानों को और जुड़िए हमारे साथ आपकी रेसिपी के जरिए आपके अपने शो में, जिसका नाम है देसी रसोई से। देसी रसोई से। ढूंढिए भारत के सेक्रेट ग्रोव्स के छिपे हुए अभयारण्यों को, जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता का अनोखा सामंजस्य दिखाई देता है। खोजिए इन रहस्यमय वनों को जो भरपूर हैं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक चमत्कारों से, जहां सुरक्षित हैं प्राचीन परंपराएं और पवित्र रीति रिवाज। चलिए हमारे साथ इन पवित्र स्थलों की यात्रा पर। धरती करे पुकार का ये एपिसोड देखिए इस शनिवार रात 10:30 बजे डीडी नेशनल पर। और क्विज में भाग लेना न भूलिएगा, सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। देखिए इको इंडिया प्रत्येक शनिवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अथ श्री महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ की, स्वार्थ की, परमार्थ की, सार थी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्व था। देखिए महाभारत सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। किसान बदलते भारत की शान।